नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की गिरफ्तार उन्हें कर लिया है और जांच एजेंसी पूछताछ के लिए के कविता को दिल्ली ले आई है। ईडी ने शुक्रवार सुबह हैदराबाद में के कविता के घर पर छापेमारी की और इस दौरान ईडी अधिकारियों के साथ नोकझोंक की तस्वीरें भी वायरल हुई है। पहले के कविता ने जांच एजेंसी के कई सारे समन्स को नजरअंदाज कर दिया था, उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है। कविता सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 16 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई थी। पिछले साल ईडी ने इस मामले में उनसे 3 बार पूछताछ की थी और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उनका बयान भी दर्ज किया था। सुनिए जरा श्रीधर, जो कि BRS के नेता है। 19 को जब आपका हियरिंग है, इतना जल्दबाजी क्या है? जब मोदी जी हैदराबाद में है और आप उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? एक केस 1 साल से चल रहा है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कहीं कैश पकड़ा नहीं है, कहीं कोई सबूत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं आरोप, वो बिना कोई सबूत आरोप कर रहे हैं। ये BRS पार्टी को धमकाने या डराने के लिए काम कर रहे हैं BJP वाले या कांग्रेस वाले मिलकर। देखिए, हम जो भी लीगल ऑप्शन हमारे सामने हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हम जो लीगली हमारे सामने जो भी ऑप्शन है उसके साथ लड़ेंगे। हमको पूरा विश्वास है हमारे न्याय व्यवस्था के ऊपर, जरूर हमको न्याय मिलेगा कोर्ट में और असलियत बाहर आ जाएगा। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपियों में से एक है अमित अरोड़ा और पूछताछ के दौरान उन्होंने के कविता का नाम लिया था। उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। जांच एजेंसी ने आरोप ये लगाया कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी थी जिसने एक अन्य आरोपी विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को 100 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया था। ईडी ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को भी हिरासत में लिया था। अरुण को के कविता का करीबी माना जाता है। पिल्लई पर आरोप यह है कि उसने शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को दिए थे 100 करोड़ रुपए। राजा सिंह, जो कि BJP के नेता हैं, उनका भी बयान सुनिए। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री KCR की बेटी जो कि MLC है, वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। कुछ दिन पहले आप पार्टी के मुख्यमंत्री यानी डिप्टी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया शराब घोटाले में, और वही शराब घोटाले में कविता भी इन्वॉल्व थी। कईयों बार ED द्वारा नोटिस दिया गया था लेकिन कोई जवाब रिटर्न में इसने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। आज नहीं तो कल कविता को अरेस्ट करना ही था, सो आज कविता को अरेस्ट किया गया। दरअसल दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में एक नई आबकारी नीति को लागू किया था। इस नीति के आने के बाद से राजधानी दिल्ली का शराब कारोबार निजी हाथों में चला गया था और शराब की सभी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। इस नीति के पीछे तर्क ये था कि कारोबार से दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। केजरीवाल की ये नीति शुरू होते ही विवादों में आ गई थी। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे की अगुवाई में हुए लोकपाल आंदोलन के दौर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तमाम नेता शराब के बढ़ते हुए चलन और इससे महिलाओं को होने वाली परेशानियों के खिलाफ बोला करते थे। जब विवाद बढ़ा तो जुलाई 2022 में सरकार ने वापस पुरानी नीति को ही लागू कर दिया। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि इस नीति की किन बातों पर विवाद शुरू हुआ था। क्या है दिल्ली आबकारी नीति विवाद? इसकी शुरुआत होती है 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट के साथ, जिसे उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा। इस रिपोर्ट में एक्साइज विभाग का प्रभारी होने के नाते सिसोदिया पर नई आबकारी नीति के जरिए फर्जी तरीके से राजस्व कमाने के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ की छूट दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क की माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया था। सरकार ने लाइसेंस शुल्क में लगभग 24% की छूट दी और इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि सरकार के इस कदम से शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचा, जबकि सरकारी खजाने को लगभग 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल नीति में किसी भी बदलाव के लिए आबकारी विभाग को पहले कैबिनेट और फिर उपराज्यपाल के अनुमति के लिए भेजना होता है। इसके बगैर किसी भी बदलाव को गैरकानूनी माना जाता है। बाद में यही रिपोर्ट CBI को भेजी गई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हुआ। सिसोदिया पर विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव करने और प्रति बियर 50 रुपए आयात शुल्क घटाकर लाइसेंस धारकों को गैरकानूनी ढंग से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा पुडुचेरी की एक प्राइवेट लिमिटेड ने एयरपोर्ट जोन में खोली 10 शराब दुकानों के लाइसेंस
अधिकार जीते थे। हालांकि कंपनी एयरपोर्ट अधिकारियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने में नाकाम रही थी। इस पर सरकार ने लाइसेंस की बोली के लिए जमा 30 करोड़ रुपए इस कंपनी को वापस कर दिए। रिपोर्ट में कहा यह भी गया कि ऐसा करना दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन है। नियमों के मुताबिक अगर कोई आवेदक लाइसेंस के लिए शर्त पूरी नहीं कर पाता है तो उसकी जमा राशि जब्त हो जानी चाहिए। यहां सिसोदिया पर कमीशन खाने के आरोप लगाए गए। कहा यह भी गया कि इन पैसों का इस्तेमाल हुआ था पंजाब विधानसभा चुनावों में। पिछले साल अक्टूबर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह का नाम ईडी की चार्जशीट में सामने आया था। ये सारे मामले फिलहाल कोर्ट में हैं और मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह भी जेल में है और ईडी की जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर है। केजरीवाल भी इसी मामले में ईडी के कई समन्स को नजरअंदाज कर चुके हैं। अगर दिल्ली आबकारी नीति के इस मामले में ईडी कविता के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कदम उठाती है तो आम आदमी पार्टी के सामने नेतृत्व को लेकर संकट खड़ा हो सकता है। लोकसभा चुनावों में ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन चुनाव आज तक में आप चुनावों से राजनीतिक पार्टियों और समसामयिक मुद्दों से जुड़ी तमाम जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।